नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दूसरा केस है। मैं आज आपको शुरू बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रही हैं, हमारे पास सैमसंग S23 Ultra है, जिसमें आपका एरर आ रहा है। ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन ऑन हो गया, लेकिन इसमें टच नहीं अटक रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को कैसे ठीक करें, पूरा विस्तार से मैंने वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं, फास्ट नहीं किया है, स्लो हुआ है। और ये आधे घंटे का वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसमें जो एरर आ रहा है, मैं वो एरर बता दूँ क्या है। जैसे लॉक खोलेंगे, लॉक खोलने के बाद इसमें ये एरर आ रहा है। आपको दिखा रहे हैं क्या आ रहा है, देखिए ये एरर है। सिस्टम कंट UI रिस्पॉन्ड, जैसे इसको आप क्लोज ऐप करेंगे, ये फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को हम आपको दिखाते हैं कैसे ठीक करना है। तो हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ना दोस्तों, अगर बड़ा मॉडल हो तो 1% का डेड का रिस्क ले लें ऑन फ़ोन में। मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे मॉडल पे कर रखा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने डेड का रिस्क नहीं लिया है। बाकी आप ले लेना, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑन फ़ोन में रिस्क रहता है थोड़ा सा। अगर ज़्यादा हीट हो गया तो IC भी डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले हम कैमरे को कर लेंगे कवर, क्योंकि ये मॉडल कैमरे के लिए ही ज़्यादा बिकता है और काफ़ी अच्छा फ़ोन भी है। तो कैमरे को पहले हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, एंड देन इसके मदरबोर्ड को अब हम रिमूव करते हैं इसकी बॉडी से। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि ओपन की वीडियो आपको पता ही है, मेन जो चीज़ें हैं वहाँ पर मैंने नॉर्मल रखा है। वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी है, लेकिन आप लास्ट तक बने रहें, आप पूरे अच्छे से देखें। स्किप करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं केयर करनी होती हैं। और इसके कैमरे के नीचे एक पेच होता है, जिसको खोलना पड़ता है। अब बिना खोले इसको उठाएंगे तो बोर्ड नहीं उठेगा, तो मैंने खोल लिया इसको। अब इसको मदरबोर्ड को हम कर लेते हैं रिमूव बॉडी से। और जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा मॉडल ले तो थोड़ा आपको ध्यान पूर्वक काम करना है। बड़ा मॉडल हो या छोटा मॉडल, ध्यान तो सब में ही देना होता है। जितना ज़्यादा आप सेफ्टी करेंगे, उतना आपका कोई चीज़ डैमेज ना होगा। कैमरे को हम कर लेते हैं पहले साइड। कैमरा कर लिया हमने सेव। अब हम उसको जो थर्मल लगा हुआ है कूल पेस्ट, इसको हम सेफ साइड उतारेंगे, क्योंकि ये कई लोग लगाते नहीं हैं, जिससे क्या होता है, IC रिवोल्व करने के बाद, लगाने के बाद फ़ोन हीटिंग के कारण ये दिक्कत दोबारा आ जाती है कुछ टाइम में। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान दें, IC करने के बाद ये पैड लगाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जो हीटिंग होता है ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, जिसके कारण IC के जो बॉल है वो मेल्ट नहीं होते हैं। तो हम इसको सेफली इसको रिमूव कर लेंगे। और ध्यान देना दोस्तों, इसके बोर्ड के नीचे वाले बोर्ड पे ही प्रेशर पड़े, आप स्टैंड में लगाएं, ऊपर पे ना पड़े। क्योंकि जब हीट मारेंगे हम, तो बोर्ड अगर गलती से भी थोड़ा भी हिल गया तो हमारा नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा,
उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं करेंगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। क्योंकि आपको पता है ये जो बोर्ड है ये डुअल टेकर बोर्ड है, सैंडविच वाला बोर्ड है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो हम पैड को कर लेते हैं रिमूव सेफ साइड, इसको दोबारा लगाएंगे हम, और इस पे जो लगा है कूल पैड कूल पेस्ट उसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए इसमें है ऑलरेडी, फिर भी हम जो आईसी पे लगा है इसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छे से कूलिंग रहता है, मेंटेन रहता है, उसके जितने भी हीट होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि आईसी हीट नहीं होती है। आपके पास नया है तो अलग से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैं इसी को सेफ उतार के फिर दोबारा इसी को लगाऊंगा। बाकी वीडियो में आपने देखा होगा मैं नया ही लगाता हूँ लास्ट में, लेकिन अभी मेरा स्टॉक ख़त्म हुआ है तो इसलिए मैं इसको ही सेफ रखूँगा दोबारा लगाने के लिए। दोस्तों जितना अच्छे से आप सफाई रखेंगे उतना काम आपका साफ दिखेगा और काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो सफाई का खास ध्यान दें। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि आईसी को पूरे अच्छे से, जिसको हमें जिस पे काम करना है उसको छोड़ के बाकी आईसी को प्रॉपर कवर कर लें हम, कि उस पे हीट ना जाए। तो मैंने इस पे सिल्वर टेप लगा दिया है, जिससे नीचे वाली हमारी जो यूएफएस है सीएमसी उस पे हीट ना लगे। अब दोस्तों आपको, आप इतनी वीडियो में आ गए, मैं आपको बता दूँ ये जो फॉल्ट है ये हमारे रैम का फॉल्ट है, तो आप गलती से सीपीयू को ना रिमूव करें। ये जो है कनेक्टिविटी वीक होने के कारण, इसमें जो कनेक्टिविटी है डिसकनेक्ट नहीं हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी लूज हो गया, यानी तो क्रैक या लूज होने के कारण कनेक्टिविटी है लेकिन प्रॉपर तरीके से ना कनेक्ट होने के कारण ये जो आ रहा था एरर, ये उसी का है। तो हम इसमें कुछ ओनली रैम को रिमूव करेंगे, सीपीयू नहीं रिमूव करेंगे। तो हमारा जो हीट रहेगा इसमें, इसमें हमने हीट कर रखा है 340 और एयर हमारा है 20 पे। और इस स्क्रैपर से हम ट्राई करते रहेंगे कि हमारा एंटर हो रहा है कि नहीं। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का चेक करना है। आपको लग रहा होगा मैं प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन मैं हल्के हाथ से कर रहा हूँ, ये हल्के हाथ से हम ट्राई करेंगे अंदर जा रहा है कि नहीं आईसी के अंदर, क्योंकि इसमें भी ग्लू होता है वाइट वाला, जैसे कि सैमसंग के हर मॉडल में होता है, तो वाइट ग्लू इसके अंदर भी है, तो हम ध्यान देंगे। तो देखिए अब नॉर्मली एंटर हो रहा है, यानी कि हमारा जो पॉल है वो मेल्ट हो चुका है। धीरे धीरे करके आईसी को जो भी है इसका ग्लू काट के इसको रिमूव कर लेंगे आईसी, और रैम हमारा हो चुका है रिमूव। दोस्तों अब यहाँ पे आप चाहे SMD से ना क्लीन करके, मेरा राय रहेगा आप आयरन से ही क्लीन करें। और आयरन अगर आपके पास कौन सा है, मेरे पास है OSS का 210 है, तो मेरा जो हीटिंग है इसमें मैं 310 रखता हूँ, और इसके लिए मैं 310 पे इसको क्लीन करूँगा।
क्योंकि आप SMD से अगर हीट करके अगर क्लीन करते हैं ग्लू को, तो चांसेज है कि आपकी IC के बॉल मेल्ट हों, तो बेटर यही रहेगा कि आप आयरन से करें। हाँ, आप हीटिंग को कम भी कर सकते हैं, मैं 310 कर रखा हूँ, आप 280 तक भी कर सकते हैं, काम हो जाएगा आपका। बाकी आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा इस पे टाइम ना दे करके, जितना जल्दी क्लीन हो जाए बेटर रहेगा, ज़्यादा IC को हीट नहीं करना हमें। तब हम इसके ग्लू को कट कर लेंगे, आप देख पा रहे हैं साइड में सारे ग्लू भरा पड़ा है ट्रैकों पे। बट ब्लैक ग्लू से बेटर है ये वाइट ग्लू, इसको कट करने में ज़्यादा वो इजीली रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये नॉर्मली कट हो जाता है। सबसे हार्ड होता है ब्लैक ग्लू, जो कि आपको पता है ये वन प्लस रियलमी ओप्पो वीवो में लगा होता है, वो ग्लू थोड़ा सा टफ होता है, उसके लिए SMD की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं तो ज़्यादातर आयरन से ही रिमूव करता हूँ, और ये वाइट का तो वो आयरन से ही बेहतर रहता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो ग्लू है ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया है, थोड़ा बहुत रह रहा है, अब इसको हम एकदम क्लीन करके फिर चेक करते हैं कहाँ कहाँ रह गया। तो अभी कोने पे रह गया, इसको हम कर लेंगे क्लीन। अब हम डिसोल्ड वायर से इसको कर लेंगे क्लीन, जो भी हमारा पुराना सोल्डर है उसको रिमूव कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो है ये 200 प्लस पे चला जाता है। हम जब भी सोल्डर यूज करते हैं और काफ़ी देर तक अगर वो हीट होता रहता है तो उसका सेल्सियस बढ़ता जाता है, तो इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, वरना अगर पुराना वाला रहेगा और आप जो भी यूज कर रहे हैं 138 चाहे आप 183 जो भी यूज कर रहे हैं, तो वो दिक्कत कर देता है, क्योंकि सेम नहीं होता है आपका वो, उसका जो है बढ़ जाता है और इसका कम रहता है, तो कनेक्टिविटी में दिक्कत होता है, कुछ टाइम बाद वो फिर से दिक्कत कर देता है। तो सेम ही रखिए, इसको प्रॉपर क्लीन कर लीजिए, पुराने वाला जो भी शोल्डर है इस पे लगा हुआ, और जो भी ध्यान दीजिए कहीं पे आपका वाइट वाला जो ग्लू है वो रह ना जाए, क्योंकि वाइट ग्लू रहता है तो दिखता थोड़ा कम है उसमें, इस माइक्रोस्कोप में तो ओके है, लेकिन वैसे आप कर रहे हैं तो फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई इसमें रह ना जाए किसी भी कोने पे या किसी पिन के साइड में, क्योंकि रहेगा तो IC बैठाएंगे तो प्रॉपर बैठेगा नहीं, फिर आपका काम हो जाएगा ख़राब। जितना टाइम लगे अभी लगा लीजिए, क्योंकि IC बैठा के फिर उतारना फिर लगाना तो शायद आपकी CPU भी उतारना पड़ जाए, और अगर CPU आपने उतारा तो आपको शायद पूरा बोर्ड को रिवॉल्व करना पड़े, क्योंकि ये है डुअल ट्रैकर बोर्ड। तो केयरफुल, वन टाइम में ही कोशिश करें इस बोर्ड को ठीक करने को, और इसका जो स्टेंसिल है इसको रिवॉल्व करना मतलब मेरे हिसाब से तो आईफोन से भी टफ है, आईफोन तो फिर भी इजली इसका ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि ये 400 पे जाके ये रिमूव होता है बोर्ड। तो ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए वो काम ना करना पड़े, क्योंकि वो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे जो भी करना है आपको कोशिश कीजिए, टाइम लगे लेकिन काम धीरे से, और सारा कुछ केयरफुल करना है कि वन टाइम में हमारा सक्सेस हो जाए। तो हम देख लेंगे जो भी कोई बाल ब्लैक रह गया चाहे कोई ड्राई है, तो उसको हम ब्लेड की सहायता से चाहे ब्रश से हम उसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। तो हमारा हो चुका है, अब हम कर लेंगे रैम को क्लीन। जैसे रैम पे अभी ग्लू कमी है, जो भी था बोर्ड पे था, CPU पे था, इस पे नहीं है, तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट किया है मैंने, इतना फास्ट कर नहीं रहा मैं। ये 1.5x पे मैंने फास्ट कर रखा है वीडियो को। और आप जब भी तार वाला ब्रश अब ये वाला आप यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए इसको एकदम मतलब हल्के हाथों से यूज करना है, इसको प्रेस करना ही नहीं है,
थोड़ा थिनर लगाना है आपको, और इससे हल्के हाथों से प्रेस करना है, क्योंकि अगर इसको जैसे आपने ज़्यादा हार्डली प्रेस किया उसी टाइम स्क्रैच लग जाएंगे आईसी पे। स्क्रैच लगने के बाद फिर आईसी अजीब सी लगती है, फिर आपको मास्क लगाना पड़ेगा और चीज़ें करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि थोड़ा सा आप थोड़ा यहीं ध्यान दें और इसको हल्के हाथों से करें। बस हमें इस पे से जो ब्लैक है वो साफ़ हो जाए, ब्लैकेस, बस उसके बाद आपको नॉर्मल रिवोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट वो कनेक्ट हो ही जाता है। तो हल्के हाथ से बस क्लीन, उससे ब्रश से यूज करें, ब्रश यूज करें। और देखिए ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है क्लीन। अब हम इसको कर लेते हैं रिवोल्व। रिवॉल्विंग का प्रोसेस तो सभी वीडियो में हम दिखाते ही हैं, फिर भी इस वीडियो में हमने कुछ भी कट नहीं किया है, हम आप इसको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे कैसे करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कुछ भी इसमें कट नहीं है, प्रॉपर है वीडियो। रिवॉल्विंग के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करेंगे ये हमारा रहेगा 250 पे, आप चाहे 300 350 भी कर सकते हैं, आपके फास्ट और स्लो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर तो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, हर SMD का अलग अलग होता है और इन्वायरमेंट का सारा मेन कहानी है, तो इस चीज़ का आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आईसी रिवॉल्व करते टाइम आप कोशिश कीजिए दो दफ़े में करने का, क्योंकि वन टाइम में क्या होता है आप कि आप जो बॉल बनाएंगे उसमें कुछ बॉल छोटे बड़े रह जाते हैं, तो एक दफ़ा लगाने दोबारा आप पेस्ट लगा के करें, या तो आप एक दफ़े में पूरे अच्छे से उसको देख लीजिए कि पूरे अच्छे से भरा है कि नहीं, उसके बाद कीजिए। जैसे कि मैं डेली कर रहा हूँ तो हो चुका है मेरा हाथ सेट, तो आप भी करते करते आपका भी हो जाएगा, तो ट्राई कीजिए और वन टाइम में ही हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो दो दफ़े में कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, तसल्ली से काम। तो हमारा ये रिवॉल्व हो चुका है, अब इसको हम कर रहे हैं क्लीन। अब देख लेंगे कोई एक्स्ट्रा बॉल किसी से टच तो नहीं है, हम जैसे देख पा रहे हैं इसमें कोई भी बॉल टच नहीं है। अब इसको एक दफ़ा हम SMD से दोबारा कर देंगे रिसोल्ड, और देखिए ऑलमोस्ट हो गया हमारा प्रॉपर बॉल A to Z, आप देख पा रहे होंगे पूरा ही हमारा ओके हो चुका है, एक साइज में प्रॉपर बना हुआ है बॉल, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब हम बोर्ड पे बोर्ड लाएँ, अब दिखाते हैं आपको बोर्ड पे हम लगाएंगे पेस्ट, और अब हम SMD को रखेंगे 340 पे, अभी भी रखेंगे हम। ध्यान दीजिए पेस्ट लगाते टाइम भी गलती क्या होती है, बीच में डालना ही नहीं होता, बीच में डालेंगे तो बबल बनता है, बबल के कारण फिर आईसी हिल जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो ये पेस्ट है पेस्ट आपके ट्रैक पे हो, बीच में ना लगे, या तो आप पकड़ के करेंगे तो बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप बिना पकड़े अगर आईसी को कर रहे हैं तो बेटर तो यही रहेगा बीच में ग्लू वो पेस्ट ना लगाएं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे ही काम सारा करने के बाद लास्ट में थोड़ी सी गलती के चक्कर में पूरा दोबारा करना पड़ जाता है। और दूसरी चीज़, कभी भी आईसी बैठाने में जल्दीबाजी करना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर सारा काम अगर आपने कर लिया लास्ट में अगर आईसी आपने एंड में किसी तरीके से गलत हो गया किसी एंगल से, तो फिर काम आपका पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुल आईसी बैठाते टाइम तो पूरा ही ध्यान दीजिए कि प्रॉपर हमारा सेंटर में मैच हो रहा है, क्योंकि हर आईसीयू में मार्क होता ही होता है, कुछ ही में नहीं होता है लेकिन CPU में तो ऑलमोस्ट होता ही होता है। तो पूरा हम देख लेंगे सेट हो गया, अब हम इसको करेंगे वही सेम 340 हीटिंग करके, और हमारा थोड़ा सा एयर हम कम कर रहे हैं इस टाइम,
हमारा ईयर अभी 30 पे रहेगा। और जब तक हम देखेंगे नीचे बुलबुले ना बने थोड़े से, तब तक हम प्ले नहीं करेंगे आईसी को, थोड़ा भी हिलाएंगे नहीं। तो देखिए जैसे कि ऑलमोस्ट होना स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हैं पेस्ट बुलबुला बन रहा है, और हमने थोड़ा सा हिलाया, बहुत ज़्यादा ही नहीं हिलाना, टच करना है बस, हल्का टच करके हटा लेना है। और थोड़ा सा वीडियो को मैंने यहाँ पे स्किप किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ठंडा करना पड़ता है, तो ठंडा हो गया ऑलमोस्ट, वो भी थोड़ी वीडियो, जब तक मैंने फ़ैन के पास रखा था उतनी देर तक बस वीडियो स्किप किया। हमारा ठंडा हो गया, अब इसको क्लीन कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हमारे ग्लू वगैरह दिख रहे हो, जितना सफाई से काम करेंगे उतना आपका दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कई दफ़ा सो पेस्ट वगैरह ऐसे फैला रहता है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप बोर्ड को ओपन करेंगे आपको ही देखने में बुरा लगता है। तो जितना हो सके पूरा प्रॉपर उसको क्लीन वगैरह कर लें, जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं पेस्ट फैला हो तो, और जो भी आपने ग्लू कटिंग किया हो। तो अब इसको हम बोर्ड में लगा के, बॉडी में लगा के हम चेक करते हैं कि हमारा जो आईसी के प्रॉपर ओके हुआ या नहीं, या दोबारा करना पड़ेगा। वैसे तो कोशिश यही है कि वन टाइम में चल जाए, और ज़्यादातर चल ही जाता है, बाकी आप अपने हैंड स्किल को डेली करेंगे तो ऑटो मोड पे सेट हो जाएगा। जैसे मैं रोज़ ही करता हूँ तो मेरा तो वन टाइम में ज़्यादातर आईसियाँ ठीक हो जाती हैं। पहले मेरे साथ भी होता था, एक से दो दफ़े में करने के बाद ही, 3 दफ़े भी हो जाता तब जाके ठीक होती थी आईसी, कुछ तो ख़राब ही हो जाती थी। तो अब धीरे धीरे मैं करना काफ़ी टाइम से स्टार्ट, में जैसे 1 साल हो गया प्रॉपर करते हुए, तब वन टाइम में ही सारी आईसियाँ हो ही जाती हैं। तो अब देख पा रहे हैं आपके सामने है, ये हमारा S23 Ultra ऑन हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं हमारा जो फॉल्ट था वो ठीक हुआ या सेम कंडीशन में, तो वेट करते हैं थोड़ा ऑन होने का। चालू होते ही थोड़ा सा हमें वेट करना होता है, मैंने थोड़ा सा चालू होते ही तुरंत ही स्टार्ट हो गया हूँ, थोड़ा सा हमें वेट करना होता है किसी भी फ़ोन को, जैसे कि सबको ही पता है, क्योंकि स्टार्ट होते टाइम थोड़ा सा फ़ोन हैंग होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, लेकिन अब देखिए थोड़ी देर में अभी प्रॉपर ओके हो जाएगा। अब देखिए हो गया ओके ऑलमोस्ट, जो कि पहले क्या था पासवर्ड खोलते ही वो एरर आ रहा था, अब आप देख पा रहे हैं पासवर्ड खोलने का क्या पूरा प्रॉपर हम देख पा रहे हैं चल रहा है। और दूसरी चीज़ हम पहले हम लगा लेते हैं इसके थर्मल, जो हमारा कूल पेस्ट का था वो पैड लगा लेते हैं हम, जिससे कि आईसी दोबारा दिक्कत ना करे, तो उसको हम लगा लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको कैमरा वगैरह और भी जो चीज़ें होती हैं वो चेक करा देता हूँ कि हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, कोई इश्यू तो नहीं है और कोई। तो ये हमारा पैड हो लग चुका, अब हम कैमरे को लगा लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। लेटेस्ट मैं थोड़े टाइम बाद अब सारे आईफोन की हर एक फॉल्ट डालूँगा, तो वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और किसी को अगर कोरियर करना हो तो मैं नंबर डाल दूंगा, उस पर आप कॉल करके आप कोरियर कर सकते हैं कोई भी फ़ोन उचित रेट में, और आपका काम 100% होगा, बस ज़्यादा छिड़ा ना हो और ज़्यादा बोर्ड गला ना हो, तो आपको श्योरिटी है कि आपको 90 से 80 या 90% करके देने की गारंटी है हमारी। और हमारी जो शॉप है दिल्ली के अंदर है, पीतमपुरा रानी बाग में है, कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप प्रॉपर एड्रेस ले सकते हैं।
तो हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन। अब हम चेक कर लेते हैं कैमरा वगैरह प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो देखिए कैमरा ऑन है, अभी हमने इस पे लगा रखा है टेप तो इसलिए पीला दिखा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।